नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, धर्मवीर हकीकत राय ये जो पुस्तक है ये 50 रुपये मात्र की पुस्तक है और इस पुस्तक में तकरीबन 63-64 पेजेस हैं ओनली। और इसको अपने बच्चों को पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, इसको आप सनातन हाट से ले सकते हैं। अन्य पुस्तकें भी हैं लेकिन वीर हकीकत राय पुस्तक हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए पढ़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जिस समय पर के भारतवर्ष में इस्लामीकरण की जो हदें हैं वो टूट चुकी हैं, भारतीय सरकार भी उनके तुष्टीकरण की या राज्य सरकारें भी उनकी तुष्टीकरण की राजनीति इस समय पर खेल रही हैं और लगातार इन जिहादियों की वो खबरें आ रही हैं जिससे कि किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति का दिल दहल जाए। जिस बाजार में कन्हैया लाल जी की हत्या की गई थी उस बाजार में अभी तक भी कोई भी दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं है। बाजार वहां का पूरी तरीके से गिर चुका है, लुढ़क चुका है और शतुर्मुर्ग समाज अभी तलक भी अपनी गर्दन रेत में धसाए हुए बैठा हुआ है। अभी देख लेना, कुछ दिनों के बाद में जैसे ताजा निकलेगा या ईद आएगी, सीर खाने के लिए इन्हीं में से अधिकतर हिंदू उनके घरों पर पहुंच जाएंगे। इनमें से किसी को भी धमकी नहीं मिली हुई है, इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कि नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये सारे के सारे लोग आज अपनी दुकानों पर ताला लगा करके बैठे हुए हैं। ये है भारतवर्ष का विराट हिंदुत्व जो कि इनके विजन 2047 से लड़ेगा। इस विजन से लड़ने के लिए हिंदू की तैयारी इतनी जबरदस्त है कि 25 रुपये की दही या 25 रुपये का दूध का पैकेट जो अभी 26 रुपये का मिलेगा उस पर हो हल्ला मचाने के लिए पूरी दुनिया भर का जो वजन है अपने सिर पर डाल लिया है, क्योंकि इस पर 5% GST बढ़ गई है। लेकिन उन लोगों का सामना करने का विजन इनके पास में नहीं जिनके 10-10 बच्चे हैं और उन्होंने अभी से कह दिया है कि हमारा विजन 2047 अब नजदीक है, 25 साल में हम इसको हासिल कर लेंगे और यहां का पूरा साम्राज्य हमारा होगा। आप लोग तब भी 1 रुपये के लिए धरने प्रदर्शन और ट्विटर पर संग्राम रचते रहना, वो उस समय पर यहां पर शरियाई हुकूमत लागू कर चुके होंगे। और उसी शरियाई हुकूमत के विषय में बात करने वाली ये किताब है जिसमें बताया गया है कि इस प्रकार से शरियाई हुकूमत के दौरान आप लोगों को सांस लेने तलक की भी इजाजत नहीं होती है। हरिद्वार में आप ये देखिए कि जहां पर भारतवर्ष में हज पर सब्सिडी दी जाती है और जिस समय पर सब्सिडी बंद की उस समय पर इसी भारतीय सरकार ने उनके 50-50, 60-60 लोगों को उसके एवज में IAS में भर्ती किया था। अगर भारतीय समाज, हिंदू समाज अपनी कावड़ यात्रा लेकर के निकलता है तो सीलमपुर से गुजरते हैं तो उनके ऊपर मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं, रास्ते में उनको परेशान किया जाता है, जो जितने भी गुंडे मवाली जिहादी लोग हैं उनमें शामिल होकर के झगड़ा करते हैं। और यही नहीं, पवित्र नगरी हरिद्वार में घुस करके भी वहां पर रास्ते में ही नमाज भी पढ़ी जाती है। 8 लोग इसमें गिरफ्तार तो हो गए हैं लेकिन इस हौसले को जरा देखिए कि एक तरफ वो हिंदू हैं जिनके पड़ोस में एक व्यक्ति की निर्ममता के साथ में हत्या की गई थी और इन लोगों को कोई डर नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी दुकानें नहीं खोली। दूसरी तरफ एक ऐसे जिहादी कौम के लोग हैं जिनको पता है कि हरिद्वार में पवित्र यात्रा चल रही है लेकिन वहां पर घुस करके भरे बाजार में रोड पर, सड़क पर नमाज पढ़ी है, क्योंकि उनको पता है कि अगले 25 साल के अंदर ये देश जो है वो हमारा होगा, यहाँ का विधान, यहाँ का संविधान हमारा होगा। और ये लोग जो हमारे खौफ से, हमारे डर से आज दुकान नहीं खोल रहे, ये सारे के सारे कन्वर्ट होंगे। यानी कि उनका विजन उनके दिमाग ही नहीं, उनके दिल में नहीं, उनके मन में, उनके शरीर में, रोम रोम में बस चुका है और वो उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की दहशत फैलाने का कार्य इन लोगों ने किया था उदयपुर में, वो दहशत फैल चुकी है। हिंदू आज डरा हुआ है, अपने घरों में घुसड़ा हुआ है और वो अपने धर्म की रक्षा हेतु भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उनकी माँ, उनकी बीवियां, उनकी पत्नियां ही सबसे पहले उनका हाथ पकड़कर रोकती हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। और ये वही महिलाएं हैं जिनका कि सदियों तलक इसी प्रकार से उनके साथ में दुष्कर्म होता रहा और ये जिहादियों की औलादें पैदा करती रही हैं। इसलिए जो भी जननी है उसको सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उनको इस प्रकार की पुस्तकें सबसे पहले पढ़नी होंगी, तभी जाकर के हमारा समाज कुछ आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता है। आप इनके हौसलों की जरा फेहरिस्त सुनिए कि उसी उत्तराखंड के अंदर एक मुस्लिम प्रबंधक अपने प्राइवेट स्कूल में जुम्मे की छुट्टी कर देता है।
यानी कि वहां पर भी शरिया हुकूमत लागू हो चुकी है, क्योंकि मालिक जो है वो, प्रबंधक जो है वो मुसलमान है। वहां पर हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर किसी की नहीं सुनी जाती। वहां पर केवल और केवल एक ही कार्य होता है, और वो होता है इस्लामिक शरिया हुकूमत का पालन करना। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से लगातार इधर देखा इसका गला रेत दिया, उमेश कॉलेजी का गला रेत दिया, नुपुर शर्मा के खिलाफ आ गए हैं, बिहार में काफी लोगों को चाकू से गोद दिया गया है, वहां मार दिया सीक्वेंस से। फिर हमने देखा किस प्रकार से सीक्वेंस से मुसलमान जो है अपनी गाड़ियों से पुलिस वालों को रौंदते जा रहे हैं, उनको मारते जा रहे हैं, सीक्वेंस से हो रहा है। फिर हमने उससे पहले देखा था कि गाजीपुर में, लक्ष्मीनगर में, रमेश नगर में, इधर आपके कर्नाटक में, फिर इधर महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर सीक्वेंस से बहुत सारा असलाह बारूद और बम मिला था। उसके बाद हम देखते हैं कि घुसपैठी आते हैं गला रेतने के लिए पाकिस्तान तलक से। ये सारे सीक्वेंस को समझने के बाद में क्या आपको ये बात समझने आती है कि लगातार स्कूलों के अंदर जो जुम्मे की छुट्टी करी जा रही है, जो स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं, जो प्रार्थनाएं बदली जा रही हैं, क्या इसके पीछे किसी का कोई आदेश या कोई ऐसी सहमति या इस प्रकार का कोई फतवा नहीं होगा? लगातार अंदरूनी खाने में बहुत सारी चीजें जल रही हैं। जिस प्रकार से लैंड जिहाद चला, जिस प्रकार से लव जिहाद एक सीक्वेंस में चला, उत्तराखंड की अधिकतर भूमि मुसलमानों के कब्जे में आ चुकी है और ये सीक्वेंस से चला, जैसे कहीं से ऊपर से कोई फतवाया हो और इन लोगों ने लगातार उस पर काम किया हो। ठीक उसी प्रकार से स्कूलों में, विद्यालयों में इस प्रकार का कार्य चल रहा है। और उनके मदरसों की तैयारी देखिए, मदरसों में आप देखेंगे कि मैं कहूंगा कि इस वीडियो को यहां पर ना लगा करके एक न्यूज कटिंग यहां पर लगा दे, नहीं तो हो सकता है कि यूट्यूब की भावनाएं हाथ हो जाएं। इस वीडियो को हम आपको नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम टेलीग्राम का लिंक देते हैं वहां पर वो वीडियो भी देंगे, और उस वीडियो में आप देखेगा कि वहां पर किस प्रकार से छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों से राइफल चलवाई जा रही है, राइफल चलाने की ट्रेनिंग वहां पर उनको दी जा रही है। जिस समय पर भारतीय समाज के हिंदू लोग कह रहे थे कि अग्निवीर में शामिल नहीं होना, भर्ती नहीं होना, क्योंकि वहां पर 4 साल में ट्रेनिंग लेकर के तुम्हें निचोड़ करके फेंक दिया जाएगा, ये कोई नहीं सोच रहा कि वहां पर वो हथियार चलाना भी सीखेंगे और हमारे लोग वहां अगर पहुंचेंगे तो कल किसी काम आ पाएंगे कि अगर गृह युद्ध छिड़ने लग गया तो हमारे लोग भी काम आ पाएंगे, वो लोग नहीं सोच रहे थे। मुसलमानों ने कहा था कि हमारे बच्चे जो है वो इस योजना में शामिल हो, उसके बाद में जो 20 लाख रुपए मिलेंगे उससे अपना काम करें, मरेंगे तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा और उस दौरान भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, उनका भरपूर लाभ लें। मुसलमानों ने ये बात कही थी कि वो हथियार सीख सके, और जो बच्चे नहीं जा पाए उनका क्या हो रहा है, मदरसे में उनको हथियार सिखाए जा रहे हैं। आपके जो पुरुष हैं वो क्या कर रहे हैं, उदयपुर की घटना होती है तो दुकानें बंद करके बैठ जाते हैं। आपकी महिलाएं क्या कर रही हैं, वो दरगाहों पर, मजारों पर दोनों तरफ बकरों के कटे हुए शव लटके हुए हैं, उनके बीच से निकल करके नाक ढक करके जियारत के लिए दरगाहों पर जा रही हैं और मुल्ला मौलवियों के बनाए हुए ताबीज और थूक बिरयानी चाट रही हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे या तो पबजी में लगे हुए हैं, इधर उधर के गेम में लगे हुए हैं, या फिर स्कूलों का जिनका कि मस्जिदीकरण या मदरसाकरण हो चुका है वहां पर वो जुम्मे की छुट्टी मना रहे हैं, अकबर को महान पढ़ रहे हैं। युवा जो हैं आपके वो कन्वर्ट हो रहे हैं और आपके जो बुजुर्ग हैं वो माथे में हाथ मार रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। ऐसे समय में एक खबर आई है, रेलवे के कर्मचारी जो कि मुस्लिम थे, पूर्व में अब्दुल थे, उन्होंने अपनी घर वापसी की है, शुद्धिकरण कराया है और शुद्धिकरण करा के उन्होंने अपना नाम रखा है श्रवण कुमार। देखिए बुजुर्ग हो जाए, वृद्धावस्था में ही सही, जब भी अकल आए उसी समय पर अपना लेनी चाहिए, और इस प्रकार के शुद्धिकरण से कहीं ना कहीं समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। जिस प्रकार से आजमगढ़ में एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी करके अपना घर वापसी और शुद्धिकरण करा करके सनातन धर्म में घर वापसी की है, इस प्रकार की बहुत सारी और भी घटनाएं होती हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि उनके युवा लव जिहाद कर रहे हैं, बुजुर्ग जो है वो पत्थर फेंक रहे हैं, उनके बच्चे अभी से इस्लाम को पढ़ रहे हैं, उनकी महिलाएं 10-10 जिहादी पैदा कर रही हैं, और एक तरफ आप हैं तो लड़ाई में बराबरी कहां पर है। आप सरकार को कोसते रहिए, 5%
दाम बढ़ने पर, यानी कि 25 रुपए का दूध 26 रुपए का होने पर, केवल आतंक मचाने पर अपना ध्यान फोकस कीजिए। उनका पूरा फोकस इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में है, उनका फोकस साम्राज्यवाद में है, उनका फोकस अपनी जमीन बढ़ाने में है। आप एक एक रुपए के लिए अभी भी ट्विटर वॉर छेड़ते रहिए, वक्त आ जाएगा, सबको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और मैं बार बार कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की पुस्तकें अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। स्कूल के सिलेबस के साथ में वो लोग मदरसे में जाकर के भारी भरकम अपनी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को 60 पेज क्यों नहीं पढ़वा सकते। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।